इस बीच एक और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां विश्वकर्मा समाज के लोगों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दी, मोरहाबादी मैदान में यह प्रदर्शन जारी है। मंत्री दीपक बिरुवा समेत कई नेता इस प्रदर्शन में शामिल है। बता दें आपको, 8 सूत्री मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां 8 सूत्री मांगों को लेकर विश्वकर्मा समाज सड़क पर उतर आया है और लगातार धरना और प्रदर्शन जारी है। मोरहाबादी मैदान में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस बीच 8 सूत्रीय मांग भी उठ रही है। मंत्री दीपक बिरुवा समेत कई नेता इस प्रदर्शन में शामिल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सूरज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, विश्वकर्मा समाज अब सड़क पर उतर आया है और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है सूरज? देखिए, पिछले कई सालों से विश्वकर्मा समाज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से भी अवगत कराते रहे हैं, लेकिन सरकार ने इनकी जो 8 सूत्री मांगे हैं वो अभी तक पूरा नहीं किए। लेकिन आज पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या, यानी झारखंड के 2400 जिले से हजारों की संख्या में विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, नेता है, वो फिलहाल देखिए रांची की ये ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान है और इस मोरहाबादी मैदान में किस तरह से अपनी जो विभिन्न मांगे हैं उन मांगों को लेकर विश्वकर्मा समाज के नेता, कार्यकर्ता और सदस्य सभी लोग मौजूद हैं। आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें मैं अपनी बाई साइड ये दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हजारों की संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग पूरे प्रदेश से अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनका ये मांग है कि राज्य सरकार विश्वकर्मा पूजा के त्यौहार के दिन सरकारी अवकाश की घोषणा करे। इसके अलावा और ऐसे कई मांगे हैं, उन मांगों को लेकर लगातार ये अवगत कराते रहे। लेकिन विश्वकर्मा समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष है विकास राणा, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किन मांगों को लेकर आज आप लोग मोरहाबादी मैदान में? हमारी 8 सूत्री मांग है, जिसमें पहली मांग है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन सरकारी अवकाश की घोषणा होनी चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए, जिससे हाथ से काम करने वाले पेशेवर लोग हैं उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हम चाहते हैं कि झारखंड में OBC का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जितना भी आरा मशीन का आवंटन होता है वो विश्वकर्मा समाज के लोगों को होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जितने भी सरकारी संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, एकीकृत बिहार में वो उसमें सरकारी विभागों में एक बड़े मिस्त्री लोहार की बहाली होती थी। सरकार मुख्यमंत्री की तरफ से जो उनके प्रतिनिधि थे मंत्री दीपक बिरुवा आया थे, आपने ज्ञापन भी सौंपा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ कार्यक्रम में आना था, लेकिन वो चूंकि राजनीतिक परिस्थिति के देखते हुए उनको दिल्ली जाना पड़ गया। उनके प्रतिनिधि के रूप में दीपक बिरुवा जी माननीय मंत्री झारखंड सरकार आए थे। हम लोगों ने उनको उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है कि हमारी 8 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए, आश्वासन भी मिला है। हजारों की हुजूम में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, क्या कहेंगे? जी हाँ, पहली बार ही हुआ है इस तरह का कार्यक्रम। चूंकि हमारे समाज के लोग छोटे छोटे गाँव में, गाँव स्तर से पंचायत स्तर तक ही सीमित थे, आज पूरे गाँव से, पंचायत से अपने समाज के लोगों को एकत्रित करके आज इस मोरहाबादी मैदान में हम लोग जमा किए हैं और निश्चित रूप से आज हम लोग अपनी ताकत को दिखाएंगे और जो हमारे अधिकारों का लगातार हरण होते आ रहा है। ये माने कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले विश्वकर्मा समाज के शक्ति प्रदर्शन है? निश्चित रूप से हमारे समाज के लोगों को एक सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया आज तक। हमारे समाज के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे समाज के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन्हें सिर्फ एक कार्यकर्ता, राजनीतिक दलों ने एक कार्यकर्ता बना के इस्तेमाल किया। हम भी नेतृत्व करना चाहते हैं, हम भी झारखंड के भविष्य के निर्माता हैं। जब भगवान विश्वकर्मा पूरे विश्व के निर्माता हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं झारखंड के निर्माता बन सकते हैं? इसलिए हम चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से भी हमारे लोग आगे बढ़ें, हमारे भी सांसद हो, विधायक हो, तब जाकर हमारे समाज का विकास हो सकता है। ना देखिए, एक तरह से कहीं ना कहीं विश्वकर्मा समाज की शक्ति प्रदर्शन है। आप ठीक देखिए, हमारे बगल में आप देखेंगे राइट साइड में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं पूरे प्रदेश से यहाँ पर जमे हुए, यानी दूर दूर से लोग आए हुए। इनका इस तरह का जो कार्यक्रम है पहली बार झारखंड की राजधानी रांची में इन्होंने आयोजन किया है और इनकी जो मांगे हैं उन तमाम मांगों को लेकर सरकार से पहले भी इन्होंने अवगत कराया है, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं की। लेकिन इन्हें यह उम्मीद है कि चंपई सोरेन की सरकार, यानी उनके तरफ से जो अभी मंत्री आए थे उनको इन्होंने अभी ज्ञापन दिया है, यानी आने वाले दिनों में इन्हें यह उम्मीद है कि चंपई सोरेन की सरकार में इनकी जो मांगे हैं, 8 सूत्री जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सूरज, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार विश्वकर्मा समाज प्रदर्शन कर रहा और इसी कड़ी में यह आयोजन भी किया गया है और यहाँ पे लगातार मांगे उठ रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज।